हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ चेंज आया है, तो वो क्या चेंज है, अब हमें क्या क्या चीजें और कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो मैं वीडियोस अपलोड करूँ। तो देखो, अगर हम जीएसटी के पोर्टल पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर न्यूज अपडेट में 4 नवंबर को एक एडवाइजरी आई हुई है, तो देखते हैं वो क्या एडवाइजरी है। एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट ऑफ गुजरात एंड पुडुचेरी। ठीक है, अब कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन होगी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। और किन किन स्टेट्स में अभी एप्लीकेबल हुआ है? गुजरात और पुडुचेरी में। पुडुचेरी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है ये 30 अगस्त को, और गुजरात में अब होने वाला है। तो समझते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्स पेयर अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। की कुछ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस आया है, तो एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो तो आप इनको अपने दिमाग में रखो, माइंड में रखो। रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एन एप्लीकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन। रूल 8 को भी अमेंड किया गया है। अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, जिसमें फोटोग्राफ भी ली जाएगी एप्लीकेंट्स की, और उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम उनकी भी वेरिफिकेशन की जाएगी। द अबव सेड फंक्शनैलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय जीएसटीएन। इट वॉज लॉन्च इन पुडुचेरी ऑन 30 अगस्त 2023। जैसे मैंने आपको बताया, पुडुचेरी में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और गुजरात में ये 7 नवंबर 2023 में होने वाली। ठीक है, तो बेसिकली अपनी जीएसटी की साइट को ओपन कर लिया, www.gst.gov.in। यहाँ पर मैं सर्विसेज में आती हूँ। सर्विसेज में मुझे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन को मैं कर दूंगी एंटर। तो एंटर करके देखो, ये मेरा पेज ओपन होकर आता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर मैं सारी अपनी डिटेल्स डालकर मैं करती हूँ प्रोसीड। प्रोसीड के बाद फिर मेरे को बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है। डिटेल्स सारी अपलोड करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है और डिटेल्स एंटर करने के बाद जो मेरा लास्ट स्टेप होता है वो होता है ओटीपी वाला स्टेप, आधार ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप। तो बेसिकली जो चेंज आया ना वो उसी स्टेप में आया है, आधार ऑथेंटिकेशन में। तो देखते हैं कि वो क्या चेंज आया उस स्टेप। सेट फंक्शनैलिटी नाउ आल्सो प्रोवाइड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस। अब जो नया आया है चेंज, वो क्या आया है कि अब डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन होगी और अपॉइंटमेंट को बुकिंग करना पड़ेगा। देखते हैं वो कैसे अपॉइंटमेंट बुक होगा। After the submission of the applicant in form GST-RE-G01, the applicant will receive either of the following link in the email. देखो, पहले सिर्फ एक ही चीज, एक ही फर्स्ट वाला होता था, a link for OTP based आधार authentication receive होती थी उसको email पे। लेकिन अब जो है एक नई चीज भी आई है, क्या है वो? A link for booking an appointment with a message to visit GST सुविधा केंद्र। अब क्या है एक link, देखो इन दोनों में से जो है हमें एक चीज प्रोवाइड होगी। अगर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वाली ईमेल हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, बस आराम से आप वो ओटीपी वाली लिंक करके पूरा प्रोसेस खत्म कर देंगे। लेकिन इन केस आपको ये दूसरी वाली आती है मेल, तो उसके अंदर जो चेंज आया मेनली वही चेंज आया है कि अब क्या है, आपको एक लिंक दिया जाएगा ईमेल पे जिसमें आपको अपॉइंटमेंट की बुकिंग करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा किसके लिए बुकिंग करनी पड़ेगी, जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा आपको, अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ जीएसके एंड ज्यूरिसडिक्शन फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, देखो अगर आपको फर्स्ट स्टेप आया जो कि अभी तक प्रोसेस चलता आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ये लिंक करके ओटीपी करके ओटीपी डाल के आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन केस आपको दूसरी वाली मेल जो है वो रिसीव होती है, दूसरी वाली मेल में लिंक रिसीव होता है, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी पड़ेगी कि आप सुविधा जीएसटी सुविधा केंद्र जाएंगे डिटेल्स के साथ और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वहां पर आपका होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो भी आपने अपलोड किया वो सारे के सारे वेरीफाई। ठीक है,
If the applicant received the link for OTP based Aadhaar authentication as mentioned in point 3A, she he can proceed with the application as per the existing process. तो आपके वो जो process है वो वहीं पर ही complete हो जाएगा. लेकिन इन केस आपको B वाली आती है तो आपको booking करनी पड़ेगी, appointment की booking करनी पड़ेगी. जैसे आपको मैं छोटा सा example दे सकती हूँ कि जैसे अब हम अपना passport के लिए apply करते हैं तो हमें booking नहीं करनी पड़ती कि हमें वहां पर जाके अपना जो है करना पड़ता है पासपोर्ट के लिए. तो ऐसे ही जो जीएसटी में आप क्या हो गया, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमें आप जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाना पड़ेगा. ठीक है, और दोनों ही प्रोसेस हो सकते हैं. तो आपको ये दोनों ही में से कोई भी रिसीव हो सकती है. लेकिन अगर आपको ए वाली रिसीव होती है तो काम हो गया आपका हल्का. तो आपका द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक एज मेंशन इन पॉइंट 3B, ही will be required to book an appointment to visit the designated GSK using the link provided in the email. तो उसको आपको अपॉइंट, अगर आपको 3B वाला कॉलम, 3B वाला ऑप्शन रिसीव होता है तो उस केस में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी. वंस द एप्लीकेंट गेट कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल, द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, ही शी विल बी एबल टू विजिट द डेजिग्नेटेड GSK एज पर द चूजन शेड्यूल. जो भी उसने शेड्यूल को चूज किया वहां पर तब आपको जाना पड़ेगा डेजिग्नेटेड GST सुविधा केंद्र पर. ठीक है, और GST सुविधा केंद्र पर जाते हो तो एप्लीकेंट को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी है, अ कॉपी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल की, डिटेल ऑफ ज्यूरिस्डिकेशन एज मेंशन इन द इंटीमेशन ईमेल पर, ज्यूरिस्डिकेशन की डिटेल्स, आधार नंबर और द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वर अपलोडेड विद द एप्लीकेशन एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल. ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया, एप्लीकेशन के टाइम, रेंट एग्रीमेंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वो सारे के सारे आपको वो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाने पड़ेंगे आपको. ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट GSK फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर द GST एप्लीकेशन फॉर्म RE-01. ठीक है, the applicant is required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permissible period for the application as indicated in the intimation email. So applicant ko choose karna padega appointment during the jitna maximum time diya hua hai usi maximum time mein, within usi maximum time mein usko jo appointment ko choose karna padega. In such case ARNs will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and document verification are completed. ARN तब generate होगा जब ये जो process है biometric based Aadhaar authentication process का वो complete हो जाए. The feature for booking an appointment to visit a designated GSK is currently available for the applicant of Gujarat state and it will be extended to other notified state or union territory shortly. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी जो है ये सिर्फ गुजरात के स्टेट पे एप्लीकेबल हुआ है, लेकिन धीरे 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 फ्यूचर में और स्टेट पे भी एप्लीकेबल होने वाला है. तो ऑपरेशन डेज एंड आर ऑफ GSK विल बी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट. ठीक है, तो ऑपरेशन डेज और आवर्स जो है वो GST सुविधा केंद्र के वो एज पर द गाइडलाइंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अकॉर्डिंगली हो. तो ये मेजर चेंज आया है. लास्ट स्टेप में चेंज है जहां पर आपको कंफर्मेशन का OTP रिसीव होता था. तो आप दोनों ही केसेस है, आपको कोई भी हो सकता है, ए पार्ट भी हो सकता है. ए पार्ट हो गए तो आपके बल्ले बल्ले है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन वहां हाथ के हाथ खत्म हो जाएगा. अगर आपको बी वाली जो मेल रिसीव होती है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा आपको GST सुविधा केंद्र पे डॉक्यूमेंट्स लेकर. जो मैंने आपको 6 पॉइंट में बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे सुविधा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराने के. ठीक है, तो अगर गुजरात में रहते हो तो आपको अभी से कंप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में हो तो धीरे धीरे आपके स्टेट पे भी ये चीजें एप्लीकेबल होने वाली है. अब GST डिपार्टमेंट होने वाला है थोड़ा स्ट्रिक्ट. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगी. थैंक यू.